Good morning, class. How are you? I hope you all must be doing well. I know you all must be very eager to know and to see your teacher. So, before I begin with the chapter, let me introduce myself. I'm your English teacher and my name is Aarti. I will teach you English reader. Okay? So now, let's begin with the chapter. Take out your English reader book, which is like this, your ER book, and open page number 23, Miss Polly. So class, open page number 23, Miss Polly. Before I begin with this chapter, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट डाउन टूडेज डेट. सबसे पहले आप यहाँ आज की डेट लिखेंगे. लेट मी डिस्कस फ्यू डिफिकल्ट वर्ड्स. हम पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स डिस्कस करेंगे. कुछ वर्ड्स यहाँ पर पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किए हैं, आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे. ओके, सी फर्स्ट वर्ड इज सिक. एस आई सी के सिक. सिक मीन्स, सिक का मतलब क्या होता है? बीमार हो जाना, टू गेट इल, बीमार हो जाना. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डॉक्टर. डॉक्टर कौन है, कौन होते हैं? डॉक्टर इज अ पर्सन हु क्योर अस फ्रॉम डिजीज. जिसके पास, जब हम बीमार हो जाते हैं, जिसके पास हम जाते हैं, जो हमें दवाइयाँ मेडिसिन देता है. क्विक, क्विक मीन्स जल्दी. नॉक्ड, नॉक्ड मीन्स खटखटाना. शुक, शुक मीन्स हिलाना. स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स सीधे. ओके, चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. मिस पॉली हैड अ डॉली. सी इन दिस चैप्टर देर इज अ गर्ल. इस चैप्टर में गर्ल है, ये गर्ल है, आप देख रहे हैं इमेज में, जिसका नाम है पॉली. पॉली के हाथ में क्या है? पॉली के हाथ में एक डॉल है, यानी पॉली के पास एक डॉल है जिसका नाम क्या है? डॉली. आइए स्टार्ट करते हैं. मिस पॉली हैड अ डॉली. मिस पॉली एक बच्ची थी जिसका नाम था मिस पॉली. उसके पास एक डॉल थी और डॉल का नाम था डॉली. हु वॉज सिक सिक सिक. डॉली क्या हो गई थी? जो पॉली के पास जो डॉल थी, डॉल सिक हो गई थी, बीमार हो गई थी. सो शी कॉल्ड फॉर द डॉक्टर. हम जब बीमार होते हैं, मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हमें डॉक्टर के पास ले जाती हैं या डॉक्टर को घर पर बुलाती हैं? ओके, तो पॉली ने भी डॉक्टर को घर पर बुलाया. टू कम क्विक क्विक क्विक. पॉली ने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर से जल्दी जल्दी आने के लिए बोला. द डॉक्टर केम. डॉक्टर आई. विद हर बैग एंड हर हैट. डॉक्टर कैसे आई? विद हर बैग एंड हर हैट. डॉक्टर अपने साथ एक बैग और हैट के साथ आई. एंड शी नॉक्ड ऑन द डोर. और डॉक्टर ने आकर डोर पर नॉक किया. विद अ रेट टट टट टट. जब कोई नॉक करता है, दरवाजे में आवाज़ होती है ना डोर पर, तो जब डॉक्टर ने पॉली के डोर पर नॉक किया, तब कैसी साउंड प्रोड्यूस हुई, कैसी आवाज आई? रेट टट टट टट. ओके, शी लुक्ड एट द डॉली. अब डॉक्टर ने डॉली को देखा. देन शी शुक हर हेड. डॉक्टर ने अपनी गर्दन हिलाई, अपना हेड हिलाया. एंड शी सैड. और फिर डॉक्टर बोली, मिस पॉली, मिस पॉली पुट हर स्ट्रेट टू बेड. डॉल को बेड पर स्ट्रेट लेटा दो.
हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एग्जामिन करते हैं, हमें चेक करते हैं, तो हमें स्ट्रेट लिटा देते हैं ना। तो वैसे ही डॉक्टर यहाँ पर, डॉक्टर जो डॉली को देखने आई थी, उसने डॉली को चेक करने के लिए पॉली से बोला कि डॉली को स्ट्रेट लेटा दो। ओके, सो दिस वॉज द चैप्टर। यहाँ एक गर्ल थी पॉली, उसके पास एक डॉल थी जिसका नाम था डॉली। एक बारी जब डॉली बीमार हुई तब पॉली ने डॉक्टर को बुलाया। ओके, सो क्लास, लेट मी डिस्कस दी एक्सरसाइजेस। सी एक्सरसाइज नंबर ए, आंसर दीज क्वेश्चंस। वॉट डिड मिस पॉली हैव? मिस पॉली के पास क्या था? शी हैड अ डॉल, और शी हैड अ डॉली। हु डिड मिस पॉली कॉल फॉर? मिस पॉली ने किसको बुलाया था, किसको कॉल किया था? मिस पॉली ने, यस राइट, डॉक्टर को कॉल किया था। वॉट डिड द डॉक्टर केम विथ? और जब डॉक्टर आई तो वो कैसे आई थी, किसके साथ आई थी? यस विद अ बैग एंड अ हैट, बैग और एक हैट के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बी, ये आपका होमवर्क है, आपको मम्मा पापा के साथ इन सारे वर्ड्स को दोबारा से बोलना है, ठीक है? मम्मा पापा के साथ आप इनको, इन वर्ड्स को आपको बोलना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे सी एक्सरसाइज। यहाँ कुछ इमेजेस हैं और कुछ वर्ड्स हैं, इन इमेजेस को पहचान कर आपको वर्ड्स के साथ मैचिंग करनी है। ओके, ये भी आपका होमवर्क है। ओके क्लास, सो एट लास्ट आई वॉन्ट टू से कि आप सब लोग घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए, बार बार हैंड वॉश कीजिए, मम्मा पापा को परेशान नहीं करना है बिल्कुल भी, घर से बाहर नहीं जाना है, और मस्ती के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी करनी है। सो क्लास, हम फिर मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर।